फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और मैं बात करूंगा डिशू मूवी के बारे में। डिशू मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है काफी अच्छा चल रहा है। जब से फ्राइडे से फिल्म रिलीज हुई है अभी तक अच्छा कमाल किया है इंडिया में और ओवरसीज में भी। और इंडिया में जो फर्स्ट डे की अर्निंग थी वो थी 11.5 करोड़, फिर दूसरे दिन की अर्निंग थी 12.2 करोड़, और तीसरे दिन फिल्म यानी कि संडे को फिल्म ने कमाए थे 14.25 करोड़। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि मंडे को भी फिल्म ज्यादा अच्छा चलेगी और आने वाले जो वीक खत्म होगा तब तक ज्यादा अच्छा कमाल करेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ क्योंकि मंडे को इसकी अर्निंग काफी गिर गई। मंडे को इस फिल्म ने करीबन करीबन 4.75 करोड़ तक का, मतलब 4.25 करोड़ तक का बिजनेस किया है, करीबन करीबन 5 करोड़ तक का बिजनेस किया है। उसके बाद जो ट्यूजडे आता है, ट्यूजडे को इस फिल्म ने 4.5 करोड़ का बिजनेस किया है, 4.30 करोड़ के आसपास ये जाके पहुंची है। तो कहीं ना कहीं फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें काफी गिरावट आई है जिस दिन, जैसे ही मंडे ट्यूजडे जो चालू हुआ वीक। लेकिन अभी तक जो टोटल हो चुका है फिल्म का वो 46 करोड़ के ऊपर हो चुका है, जो कि एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं हम। और इससे इतना तो साबित होता है कि 10 से 11 दिन के अंदर ये 100 करोड़ का बिजनेस जरूर पूरा कर लेगी, इतनी इतनी उम्मीदें हैं। फिल्म आउट ऑफ इंडिया भी काफी अच्छी चल रही है, जैसे कि यूएई जीसीसी सर्किट जहां पे ये फिल्म की शूटिंग हुई है, यूएई अबू धाबी में, तो वहां पे भी फिल्म अच्छी चल रही है। ओवरसीज ठीक ठाक कलेक्शन इसका आ रहा है और जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि जो आने वाले जो वीक्स है इसमें कई छोटे छोटे रिकॉर्ड जरूर तोड़ सकती है, बागी को पीछे कर सकती है, उड़ता पंजाब का जो कलेक्शन ऑल टाइम उसको पीछे कर सकती है। अभी एयरलिफ्ट का जो कलेक्शन करीबन करीबन 115 से 120 करोड़ के बीच में है उसको तोड़ेगी नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है फिलहाल। पर आने वाले मतलब जैसे जैसे हफ्ते जाएंगे वैसे वैसे हमें इसके बारे में जरूर पता चलेगा। कुछ नई बॉलीवुड खबरें पता चलती है तो आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए।